साहब में आप अपने मान स्वागत। आज निजन करूं एक पुरानी बात, राजा भोज ऋषिंगासन और इन बात ने सुंदर आक्रम कोई है वरी साहित्यकार ठाकुर नाथ सिंह जी जसोल धारा नगरी ऊपर पर दुख भंजन राजा भोज राज करे भेवर माता भागे जेड़ो चौकड़ दाम फिर तो गढ़ चारों देश चार दरवाजा 84 बाजार 54 चौटा लखपतियों की हवेलियों इंडा आप मोड़े चारों पोर चौघड़िया बाजे रिंजा सिंजा रहे मसालों खड़के और उन्हें नगरी में कोई दुखिया रो नहीं डाले। एक दिन राजा भोज बोलियो क्या बुद्ध सागरा अपा अलक मलक तो जोयो पर अब उत्तरखंड जोड़ो बाकी खमा उजड़ी ना धनी ना मो राजा की मर्जी जो राजा की मर्जी वे यूं कह बुद्ध सागरा बे पौनी पता घोड़ा ऊपर पीतलिया पलवन कश्या हथियार बंद बांध राजा और प्रधान हल्या हालता हालता उजनी रे सीमाड़े रे कंठे पुगा और एक लकड़ियों फाड़तो मिनक हाको किनो ए भाई थोड़ो मारे माथे भारो उपड़ाओ। राजा बोले बुद्ध सागरा कोई दुखियारो डोकरो माथे भारो उपड़नो कहे है हालो इनकी मदद कराओ। यूं कहे राजा नेड़ो गयो देखे तो डील माथे अंगी लोई छाटनी हाड खारो टंटेर मुंडा ऊपर माखिया मनमनावे नाक मंग हेडो पड़े गाबा सींथड़ा चीर चीर होयोड़ा गले में जनो लटके एड़ा बामण ने जोय। राजा बोले अरे हे बामण देव थारी आ दशा अर खमा वाणो लाग मारवाना धणी ना खमा हूं तो बामण हूं पण थारा राज में नवा नगर नमो नमो शेरिये शेरिये भमो भमो कोई कहवे नहीं कह जिमो जिमो एड़ा हाल है राजा घरी बामणी गाड़ो काट दे नोकता घर नु तकड़ दे अर झंझारा घरे जाऊं तो बड़ो भरोड़ा छोकरा अर विया विया करता मने खा जावे दो रोटी नेता सु नहीं खा सकूं अरे धिकार 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 वामन नो दिखरो खवे नहीं पड़ी तो इतने लकड़वा फड़े फड़े पड़े बापड़ो भेद भाग करे फंडे झंझारा पूजा पाठ कद करे लो महाराज 1,25,000 रुपया री आ चिट्ठी मारे खजाना सु ले जाओ अर कहो स्वस्ति स्वसम हे राजा स्वसम महाराज अर्धी स्वस्तिम क्यों कही हे राजा 1,25,000 रुपया तो कोई टणको में न गिन गरीब रे ब्राह्मण के नाम से खोस ले सी और वेला मु आपने कटे भैया करवे आऊ जमीरो एक खेतरो देव तो मजूरी करने गुजारो करो कन्हे जी एक वाड़ी हती तो मारो पत्र मंगाए पीढ़ी दर पीढ़ी रा लिखत लिख दिना अनी पर पाले उन माथे 4 हत्यारो पाप लिखियो ब्राह्मण रा दल दर दरिया रे स्वामी कंठे नाग दिना अड़ाड़ भम कर दो भारो नीचे नागर स्वस्ति हे राजा सात सात स्वस्ति कह दो बामण आशीष दे चल तो बढ़ियो बड़गड़ा बड़गड़ा करता राजा और बुद्ध सागरी घोड़ा आगे खड़िया मुलक जावे पछे तो को मुलक जोड़ जोवा मंडिया कठे हाथी ने गिट जावे एड़ा मोटा मोटा गिरजड़ा दिठा कठे सूर्य स्वामी हांडी करे तो फर्श फर्श कर तो धान रोंधी तो दिखो अर कठे मिनकरा शरीर ऊपर रीस रे जू बाल उगोड़ा और कठे नर नारी बेवरा शरीर जुड़मा दिठा कठे ढोल ढमाके जमीन माओ पानी की धारा छूटे और एड़ी भांत भांत की भौम का देखता ही कोई एक वर्ष पछे राजा और प्रधान घरे हुआ हमें की हो गए चौमासो उतरे आठो महीनो लागो है और गांव रे कन्ने जी खेतर घोड़े चढ़ियोड़ो अश्वार दिखे नहीं एड़ी घाटी लीली छम ज्वार बारासू कदे डावी और कदे जीवनी झोला खाई रही है खेतर बिचे एक माड़िया ऊपर मैंने कुबो गोफणी आशू अर हो हा कर तो छिड़कलिया उड़ा रहे और न देख राजा पूछियो अरे भूत सागरा एड़ो लीलो छम खेत किनरो पोर तो कठे अर अठे कहीं हतो ही नहीं महाराज ओ खेतर उन बामण रो जिनने आप तोंबा पत्र लिख दिनो जिते तो उभो रह जो महाराज उभा रह जो आगे गया तो ब्रह्म हत्या गव हत्या रो पाप यूं कहता है माड़िया माथे उतर बामण दौड़ियो आवे हाथ में दातरड़ो दियो खवा पर गोफणियो मटकी जी तो पेट बदियोड़ो जने लटकती बामण आए राजा ने आशीष देता बोलियो हे महाराज पोखोरा पोंत डोका इन खेतन में लेता दो। राजा बोलियो महाराज मारे दिनोड़े दान में मैं एक दानो रगत बराबर लो तो मुं माथो फोड़ू दातरी पेट में घा ने प्राण दे दियो बामण कहो बुद्ध सागरा बोलियो आपने सिपाही ने दे दशा इन बामण रो मन राखो राजा हूं करो दियो बामण खेतन में ने पोंख तोड़वा जावे एक हाथ में दातरड़ो दूजा हाथ से पोंख अर हाथ घाले अर माथो धुने मन में विचार करे ओ हो ओ पूंख तो तोड़वा जीव नहीं करे
दाणा सुन तो जाने अबे फटे अबे फटे अबे फटे एड़ो पोंख तोड़ो जी नहीं करे। फिर आगे जाए ने हाथ गाले तो पेदड़ा पोंख छुई वो सवाई हाय हाय इनने कीकर तोड़ो। यूं करता आधा खेतर में फिर गयो पर पोंख तोड़ वाली छाती नहीं पड़े। अबे राजा कने जाए बावन गड़बड़ गड़बड़ खतला तो बोलियो महाराज पोंख तो चिड़िया खाई गई गण करो दान करो अरे जीव रो दाणा खाई जावे अरे चूस लियो चिड़िया धनिया ने देवे जेड़ा पोंख तो है ज नहीं। राजा मणक्यो बुद्ध सागरा स्वामी जो पाछा पागड़े पग दीना थोड़ा आगे गया ने बावन माड़िया माथे हूं पाछो हाको कीनो के ढबजो महाराज ढबजो। राजा पाछो फिरियो कने आए बावन कहो ढबो महाराज हूं खेतर ने दूजा छेड़े जाए ने सकरा पोंख लो। यो कहे बावन पाछो दूजे छेड़े गयो अर अठे वारी वाह गत ओ पोंख तोड़े जूनी फिर आगे जावे पण ओई पोंख लाला सु सवायो एने की कर तोड़ो। यो करता खासी देर खेत में फिरियो पर एक पोंख तोड़वारी छाती नहीं पड़ी। पाछो आए राजा ने कहो महाराज उन छेड़े पोंख चोखा नहीं आपने निधन करवा जड़ा नहीं। फिर राजा मणक्यो घोड़ा चढ़े आगे खड़िया बामण मेड़ी चढ़ पाछो हेलो दिनारे राजा आगे गया तो बामण हत्यारो पाप बड़े राजा डब्यो। अर फिर पाछो बामण खेतर में भटक भटकाए जाए पाछो आए वारी बात कहे राजा पोंख तो घणाई पण आपरे जोग नहीं। राजा बुद्ध सागरा ने पूछियो बुद्ध सागरा ओ केड़ो पोतक है घड़ी घड़ी आओ बामण अपन रोके अर जावा जो है पंडे सागर सागी ओ जवाब दे इन भाग रो कई मर्म समझ में नहीं आवे। महाराज इनमें बामण रो दोष नहीं है बुद्ध सागर बोलियो आ तो इन जगह री लीला है ठीक है। हे राजा ओ बामण नहीं जगह बोले जटे इन रो माली हुए और अटे धरती में धन गड़ियोड़ो है या पते कोई महादान श्री राजा री अठे थान वेणो जाए जे अर जे बात झूठी निकल गई तो आप तरवार मारो मातो। बामण रो माड़िया हेठे जाए राजा बहुत धरती खोदाई हीरो शू जड़ेड़ो सोना सिंहासन राजा बुद्ध सागरी आंखें फाटी फाटी रह गई। स्वातो चरूरा धन राजा भोज गरीब गुरबा ने बांट दियो और सिंहासन में साफ सुथरो कराए दरबार में लाए। सिंहासन हीरा सु जड़ियो चमाचम करे चारों कानी पति पुतलियां उभी एड़ा देवता ही सिंहासन पर मैं बैठूंगा। यूं कहे राजा सिंहासन पर बैठन लागो जिकन टाणे एक गेबरी हवा जाई ठहर आगे पद्मा दीजे और 32 पुतलियां रा हाथ ऊंचा होया। अरे इन सिंहासन में तो मैं खोद ने बारे निकालियो साफ करियो और आज मैं इनमें आते बैठूंगा और सुन ना कुण दे। राजा अठी उठी देखता बोलियो करती 32 पुतलियां नाचवा ढूकी राजा वीर विक्रम नी रोणी और सिंहासन मारा धनी रो जे थारा में राजा विक्रम जेड़ा गुण हो तो इन पर बैठ जे नहीं तो तू तपेला नहीं। ए मां विक्रम राजा रा कामा धामा किन मौत रहा था उनकी मने खबर नहीं। सम्र राजा विक्रम तो विधातारा लेख में मेघ ठोकी तू कह पहली पुतली विक्रम और विधातारी बात मांडी ओ अगली बात अगले अंक में।